मेरठ जिले के गांव में उस समय चीख पुकार मच गई जब एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबकर करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। दरअसल ये घटना भावनपुर थाना क्षेत्र के जय भीम नगर गाँव की है, जहां किरण पाल जाटव का मकान भरभराकर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से 7 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 और 3 साल के 2 बच्चे घायल हो गए। मकान के गिरते ही आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी और शुरुआती बचाव कार्य में जुट गए। यहाँ पे मकान गिरा जी, बुनियाद की खुदी हुई थी। किसका मकान था ये? मकान किरण पाल जाटव जी का जी। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? तो जी उनके जो है 5 लड़के और खुद अपना मियाँ भी। क्या घटना हुई फिर उसके बाद में? उसके बाद में एक बच्चे की डेथ हो गई, एक बच्चे जो है घायल है। कब किस टाइम की घटना है? ये घटना है जी करीब 3:15 बजे करीब की जी। बताया जा रहा है कि जय भीम नगर में मजदूरी करने वाले किरण पाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके मकान के बराबर में एक प्लॉट है जिसकी नींव खोदने का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि किरण पाल के मकान से ज्यादा नींव प्लॉट में खोद दी गई। पीड़ित परिवार ने नींव खोदने का विरोध भी किया था, कल से बुनियाद खुद रही है, हमारी नींव चमक गई, लेकिन पड़ोसी ने एक न सुनी, जिसके बाद यह हादसा हो गया। वहीं प्लॉट मालिक को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। कल से जो बुनियाद खुद रही है, हमारी नींव चमक गई, 3-3.5 फुट गहरी इन्होंने 5, जब भी हमने गई अब बुनियाद भर गई, तुम थोड़ी थोड़ी करके भर लो, जब भी इन्होंने 5.5-6 फुट गहरी खोद दिया। मेरे सारे 4 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती पड़े, एक मेरा लोंडा मर गया। 3-4 जने दब गए भैया इसमें। हाँ, हमारा एक मर गया, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 20 आदमियों का परिवार, हमने मना करी, कल कुछ नहीं हो रहा, अभी बुलडोजर आगे में चले गए, हमें वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। वहीं हंगामा कर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। जय भीम नगर थाना भावनपुर में ये इवनिंग सूचना मिली थी कि बगल में एक मकान का नींव खोदने के कारण मकान को कुछ हिस्सा गिर गया था। उसमें एक का मृत्यु, बच्चे का मृत्यु होने का सूचना है और बाकी 2 लोग घायल है, मगर अभी सूचना है कि वो लोग बिल्कुल स्वस्थ है। हम लोग उनसे इलाज के लिए पूरा व्यवस्था करा रहे हैं। शेष परिजनों से बात हुई है, उनके सर से यदि कोई एप्लीकेशन मिलेगा तो फिर उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, वही परिजनों ने बिल्डर और प्लॉट मालिक पर आरोप लगाया है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो अभी पुलिस द्वारा उस पर उनके एप्लीकेशन लेके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल घटना को लेकर 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। पंजाब के CTV के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।